अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के प्रोसेस के बारे में कि कंटेंट मार्केटिंग की प्रोसेस क्या है और कंटेंट मार्केटिंग की प्रोसेस का एडवांटेजेस क्या है। तो इसकी मुख्तलिफ फैक्टर्स है, हम एक एक फैक्टर को देखते हैं। फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फेसबुक के बारे में कि फेसबुक में हम अपने यानी अपने प्रोडक्ट की कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे और इसके हम कंटेंट मार्केटिंग या इन्फोग्राफिक्स मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो बात ऐसा है कि अगर आपने इन्फोग्राफिक्स मार्केटिंग करना है तो इन्फोग्राफिक्स मार्केटिंग इस मार्केटिंग को कहते हैं आप देखो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। तो इसमें मैंने क्या किया, एक डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन में मैंने ऊपर से टेक्स्ट लिखा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फोग्राफिक्स मार्केटिंग कहते हैं। तो इन्फोग्राफिक्स का ये है कि आप क्या करोगे, इन्फोग्राफिक्स का जो एडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस ये है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी साइट के ऊपर और आप जो है ना लोग आपकी साइट को विजिट करेगा और आपको जो है ना इससे काफ़ी यानी अर्निंग कर सकते हो। तो बात ऐसे है कि अगर आपने इन्फोग्राफिक कोई पेज डिज़ाइन किया था अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी जो भी सर्विसेज है उस सर्विसेज के बारे में आपने फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में आपने कोई कोई बैनर या कोई और कवर लेटर्स आपने उसको डिज़ाइन किया था, तो आपको क्या करना है, आपको अपने पेज पर अनाउंसमेंट करना चाहिए। आप उसको क्या करो, उसके बारे में लिखो और उसको क्या करना है, लिंक्स देना है कि आप इस वेबसाइट को विज़िट करो, इसमें मज़ीद आप डिटेल से जो है ना हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानोगे। तो बात ऐसा है कि आपने क्या करना है, पेज को या आपकी जो पोस्ट है जो वेबसाइट है वो क्या होगा, कनेक्ट होगा सोशल मीडिया के साथ और वो कनेक्ट होगा यूट्यूब के साथ, क्योंकि आप एक चेन बनाओगे। चेन का मतलब ये है कि या आप कह सकते हो कि एक कैंपेन बनाना है आपके लिए, या कैंपेन बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने कैंपेन किन चीज़ों की बनाना है, सोशल नेटवर्क, आपकी जितना सोशल नेटवर्क है और आपकी जो वेबसाइट है और यूट्यूब है वो क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। तो बात ऐसा है कि इससे आपकी ये फ़ायदा है कि आपकी जो अगर YouTube से कोई आएगा वो भी YouTube से भी यानी उसको पता चल जाएगा आपके प्रोडक्ट के बारे में और सोशल नेटवर्क इसकी मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क से। तो आपने क्या करना है, अपने इन्फोग्राफिक्स की जब बैनर डिज़ाइन किया था तो इसके बारे में आपने अपने पेज पर फेसबुक की जो पेज है या ग्रुप है उस पर शेयर करना, उस पर टेक्स्ट लिखना। टेक्स्ट के बाद आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो और यूट्यूब का लिंक दे दो ताकि लोग अगर मज़ीद आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखता है तो वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा और आपकी यूट्यूब की चैनल को विज़िट करेगा। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप अपने पोस्ट को जो है ना प्रमोट करोगे और आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो आप मोनेटाइजेशन यानी आपकी अर्निंग होगा यूट्यूब से। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई वीडियो बनाता है, वीडियो बनाओगे तो आपको होना चाहिए कि आप वीडियो को ऐसा बनाओ ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो भी सर्च करता है आपकी वीडियो या आपकी जो वीडियो है उसको क्लियर ये गोल को पता होना चाहिए कि आपकी क्या गोल है और आपकी जो सर्विसेज है वो क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हो। लेकिन आपको वीडियो एडिटिंग भी ज़रूरी है। अगर आपने 3D एनिमेशन के बारे में अगर आपको पता है, 3D एनिमेशन में आप वीडियो बना सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो। अगर आपकी कोई पर्सनल पेज है या आपकी जो फ्रेंड है उनकी पेज है, उसकी काफ़ी लाइक्स है या उसके पास काफ़ी ट्रैफिक्स है, तो आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो अपने फेसबुक पेज पे या ग्रुप पे शेयर करो। अगर आपने पेड एडवर्टाइजमेंट लेने हैं तो गूगल एडवर्ड से भी आप ले सकते हो और फेसबुक से भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपने यूट्यूब आजकल ज़्यादातर लोग यानी लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूट्यूब,
YouTube एक ऐसा चीज़ है कि आप वीडियो के फॉर्म में लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस दे सकते हो। तो आपने क्या करना है, अगर आपने वीडियो बनाना है तो आपको पहले क्या करना चाहिए, इसकी कीवर्ड के बारे में आप इसकी कीवर्ड सर्च करो, उसका जो टाइटल है उस टाइटल को अट्रैक्टिव या क्लियरली आपकी जो गोल है उसकी बारे में आपकी नई टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल के बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्योंकि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन के बाद आपको टेक्स्ट के बारे में अगर पता नहीं है तो टेक्स्ट के बारे में आप ऐसा करो मज़े ज़रूर जानो, क्योंकि टेक्स्ट की वजह से आपकी जो वीडियो है वो रैंक हो जाती है। तो इसलिए जो है ना, आपने अगर प्रमोट करना है अपनी साइट को या यूट्यूब चैनल को, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर करना है कि आपकी टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है टेक्स्ट के बारे में, और इसकी जो थंबनेल है थंबनेल को कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये था, अगर आपने गूगल प्लस एक और सोशल नेटवर्क है, आप इसमें भी शेयर कर सकते हो, ऐसा टम्बलर है, इस तरह मुख्तलिफ है, पिंटरेस्ट है ज़्यादातर। तो सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, आप जो भी सोशल नेटवर्क है उन सब पर शेयर करो, क्योंकि अगर आपने लोगों को क्या करना है, टारगेट करना है कि मैं अपने यानी जो लोग हैं उसको कैसे टारगेट करूं। इसके साथ साथ अगर आपने ट्विटर पर शेयर करना है तो आप क्या करो, ट्विटर में एक आपको स्पेस देगा, लेट सपोज आप इससे ज़्यादा यानी तकरीबन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 100 वर्ड्स हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो। आप कोशिश करो कम लिखो, लेकिन टू द मीनिंग पुल लिखो और अट्रैक्टिव लिखो। तो इस तरह इसकी मुख्तलिफ साइट्स हैं, जैसे सोशल बुकमार्क पेज पोस्ट है, तो इसकी आपने क्या करना है, रेडिट आजकल एक पॉपुलर साइट है, उस पर शेयर करो अपनी इंफॉर्मेशंस, और ईमेल लिस्ट बनाओ। आपने क्या करना है, ईमेल लिस्ट बनाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी और भी ईमेल जो ईमेल मार्केटिंग है उसकी भी उसके बारे में हम भी आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो प्रोसेस था वो प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस किया था कि यूट्यूब है और फेसबुक है, फेसबुक के साथ साथ पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, ईमेल मार्केटिंग है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।